अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के कि हमल ठहर जाने की कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं। मैं आज जो आपको पांच ऐसी निशानियाँ बताऊँगा जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आपको हमल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो निशानी है कि माहवारी का रुक जाना। माहवारी रुक जाती है, जो आपको डेट्स वगैरह आती है वो रुक जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मतली होना, बेचैनी और सुस्ती वगैरह होना। जब आप सुबह उठती हैं रात को सोने के बाद, तो सुबह उठते ही आपको मतली सी महसूस होती है, बेचैनी और सुस्ती सी महसूस होती है। लेकिन ये कुछ ख़ास औरतों में नहीं होता, किसी किसी में होता है, हर किसी में ये नहीं होता। और ये तीसरी निशानी है के बार बार पेशाब का आना। पेशाब से औरतें इतना ज़्यादा तंग हो जाती हैं कि बहुत थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मसाने के ऊपर दबाव पड़ जाता है जिसकी वजह से पेशाब का आना शुरू हो जाता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। तो नंबर चौथे पर है पस्तानों का भारीपन और अकड़ाहट। आपके जो ब्रेज़र वगैरह हैं उनके ऊपर भारी सा महसूस होने लगता है और ऐसी अकड़ाहट सी, मतलब कि अकड़ से जाते हैं, इस तरह का कुछ महसूस होने लग जाता है। और नंबर पाँच पर है कि कमर और ज़ेरे नाफ दर्द और भारीपन होना। मतलब कमर की दर्द, ये आपकी जो नाफ है इसके नीचे जो मसाना होता है वहाँ दर्द, वहाँ एक भारीपन सा महसूस होता है, क्योंकि हमल हो ठहरने की वजह से उसके ऊपर भारी सा वज़न सा हो जाता है, जिसकी वजह से ये निशानी पैदा होती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, पांच निशानियाँ मैंने आपको बता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।